और एक कहावत है कि प्यार करो तो किताबों से, क्योंकि बेवफा भी निकलेगी ना तो आपको कुछ काबिल बनाकर छोड़ेगी। तो इसलिए आप जितना मोहब्बत करना है किताब से करिए। अच्छे से मैं लक्ष्मीपुर से हूँ। शुभ नाम क्या होगा? नाज़नी खातून। कब से पढ़ रही हैं आप? हम 4 साल से पढ़ रहे हैं। 4 साल से तो सीए बनना है। क्या बनना है? सीए। मेनी रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज ऑफ मेनी टीचर दे आर नॉट एक्चुअली कम्फर्टेबल फॉर मी एंड दे कैन नॉट सॉल्यूटेड। आपको मालूम चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में? फ्रेंड्स सब बताए कि अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कि अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि अच्छा इसी तरह सर आगे बढ़ते रहे हम लोग। जो अभिषेक सर अभी के डेट में तीसरा संस्था का ओपनिंग किए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी का बात है कि मेरा बेटा आगे। दोस्तों हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। दोस्तों अभी हम मोतिहारी के एक चर्चित टीचर के पास मौजूद है। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट का नाम है एल स्क्वायर इंग्लिश हब। दोस्तों जो है कि ये सर पहले से 2 संस्था चलाते थे, बट स्टूडेंट बढ़ने के कारण ये तीसरा संस्था चालू करना पड़ा। दोस्तों आज इस संस्था का ओपनिंग हुआ है। दोस्तों तो चलिए इस सर से हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सभी को, जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, और इसमें जितने मेरे भाई भी होंगे, कोई मेरे बहन भी होंगे, कोई मेरे माता भी होंगे, कोई मेरे पिता भी तुल्य होंगे, तो सभी को हाथ जोड़कर सबसे पहले नमन। सर आज आपको कैसा लग रहा है जो है कि तीसरा मतलब संस्थान का ओपनिंग किए हैं आप, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन इंग्लिश के व्यू में आइएगा तो ये मेरा दूसरा ब्रांच है। इंग्लिश मेरा पहला ब्रांच चलता है, जो देखा जाए तो क्या बोला जाता है, रामसरंग से ठीक पहले एक गली है शिवम फोटो स्टेट, वहाँ मेरा पहला ब्रांच चलता है। ये इंग्लिश का सेकेंड ब्रांच है, एक ही बैच चलाऊँगा, ठीक है। इसलिए जगह को लिया गया कि इसमें स्टूडेंट बैठेंगे, वहाँ जगह नहीं था, इस कारण ये इंग्लिश का सेकेंड बैच खोला गया। और ये जो न्यू ब्रांच टू जो एल स्क्वायर इंग्लिश हब खोली है, वो रामसरंग गेट से ठीक अंदर अम्बेडकर छतवास के ठीक सामने, ठीक है। और इसका आपको अगर ज्वाइन करना हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 6205326018 पर आप कॉल कर और एल स्क्वायर इंग्लिश हब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट लोगों से बातचीत करते हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं? चलिए तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आप कहाँ से हैं? मोतिहारी जिले से। मोतिहारी से हैं जी। अच्छा इस संस्था में पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा कौन सा क्लास में है? 12th में है। 12th में है। 12th में। अच्छा तो कब से ये पढ़ रहे हैं? हम 11th से ही पढ़ रहे हैं। 11th से पढ़ रहे हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं, पूरा स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। ये नहीं ना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं तो सर नहीं पता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं। मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी। कहाँ से हैं? हम सपही से हैं। सपही से हैं। अच्छा यहाँ पढ़ते हैं जी। कौन सा क्लास में? हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जी। अच्छा तो सर से इंग्लिश पढ़ती हैं जी। कैसा पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। अच्छा और कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। शुभ नाम क्या होगा? नाज़नी खातून। कब से पढ़ रही हैं आप? हम 4 साल से पढ़ रहे हैं। 4 साल से जी। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट। ऐसे सर दुनिया में देखा जाए वैसे उनके जैसा टीचर कोई यहाँ तक नहीं है। तो कौन सा क्लास में है? 12th में है। 12th में जी। अच्छा क्या अनुमान है मतलब कितना नंबर आ जाएगा सर? को देखा जाएगा तो पूरा अच्छा से मतलब 100% अच्छा नंबर आ जाएगा। तो क्या आगे करना है? हाँ कुछ नहीं बस अच्छा करना आगे। अच्छा करना जी। मतलब कुछ होता है ना कि कोई व्यू से आदमी पढ़ता है कि हम बैंकिंग लाइन में जाना है जी। अमिता कुमार। कौन सा क्लास में है? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा कब से यहाँ पढ़ रही हैं? 3-4 दिन से आ रहे हैं। 3-4 दिन से नहीं हुआ। अच्छा तो कैसे आपको मालूम चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में? फ्रेंड्स सब बताए कि अच्छा सर पढ़ाते हैं तो चल दिए थे इसीलिए यही आए। यस तो कैसा सर का पढ़ाई लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टूडेंटों को अपने फ्रेंड को क्या कहना चाहिए? यही पे आने के लिए क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं सर। आपका क्या नाम है? सुरभि श्रीवास्तव। क्या? सुरभि श्रीवास्तव। सुरभि श्रीवास्तव। अच्छा आप कौन सा क्लास में? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन फाइनल। 11th 12th कहाँ पर आएगी? 11th 12th हम यहीं से किए हैं। यहीं से? हाँ। अच्छा तो कितना नंबर आया? मेरा फर्स्ट आया।
323। इंग्लिश में कितना आया है? 73। 73 जी। अच्छा, तो कैसा सर का पढ़ाई, मतलब अच्छा लगता है? सर का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है सर। फ्रेंड को क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स को यही कहना चाहेंगे कि सर के पास पढ़े, क्योंकि सर बहुत इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए, और सर बहुत अच्छे भी है। जितना भी स्टूडेंट को पढ़ाया है बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुए हैं। और सर का ये तीसरा संस्था मतलब यहाँ पे खुला है, तो क्योंकि दो संस्था तो उधर था, लेकिन स्टूडेंट बढ़ने के कारण ये तीसरा संस्था का आज ओपनिंग हुआ है, तो इस पे कैसा मतलब लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, और इस हम लोग का मन है कि इससे भी आगे सर बढ़े। मैं खुशी है। खुशी? अच्छा, कौन सा क्लास? अभी इंटर में है। क्या? इंटर में। इंटर में है। कब से पढ़ रही हैं आप? अभी हम स्टार्टिंग दिन से, मतलब फरवरी के लास्ट वीक से पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है पढ़ाई? सर अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन आप पूछते हैं तो सर बताते हैं। हाँ, ये बता देते हैं। बताते हैं ना, मतलब ये ऐसा अच्छा तरह से पढ़ाते हैं। अच्छा तरह से। आगे क्या मतलब पढ़ाई बनना है? हमको तो सीए बनना है। क्या बनना है? सीए। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम रोहन पटेल हुआ। रोहन पटेल हुआ। अच्छा, कौन सा क्लास में है? अभी हम 12th में। 12th में। हाँ जी। अच्छा, तो कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी फ्रेंड ने बताया कि अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि चलो एक बार देख लिया जाए, और जहाँ तक मैंने सुना है इनका नाम तो अच्छा प्रचलित नाम है, और मुझे लगता है कि नॉलेज एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बढ़िया ये ट्यूशन है। मेरा नाम आलोक कुमार है। कहाँ से है? मैं बेतिया सर से हूँ। बेतिया से? जी सर। अच्छा, इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे मालूम चला? ये इंस्टीट्यूट जो है हम पहले से जानते हैं, टीचर जो है हमको बहुत अच्छा से पढ़ाए, हमको अच्छे से गेस्ट दिए हैं, और जो टीचर जो है ना ये गुरु के समान है, ये टीचर को हम बहुत बहुत मतलब भगवान के समान मानते हैं। ये टीचर जो है ना कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ते हैं, और हम मैं इंजीनियर कर रहा हूँ परसों डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, मैं ISC में इनसे कोचिंग से पढ़ा हूँ, और मेरा 98% मार्क्स है इंग्लिश में जी। और ये टीचर जो है सब किसी को अपना एक समान मानते हैं, स्टूडेंट मानते हैं, और ये टीचर को हम मतलब भगवान के समान समझते हैं। आदापुर से। आदापुर से। नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। कौन सा क्लास में है? हम 12th में है। 12th में है। यस सर। अच्छा, तो कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे हम 2-3 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। हमको मालूम नहीं था, तो हम SP प्रियदर्शी के पास केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा। वहाँ पे हम गए, वहाँ से हमको सर से पूछे, तो सर हमको बताएं इसके पास यहाँ पे आए सर, और पूछ रहे हैं जो पैसा के बारे में। सर जो दीजिएगा ये अपने आप, मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और करते सबके दर्द समझते हैं, कैसा किसका दर्द होता है नहीं होता है, पैसा का डिमांड नहीं करते, नहीं कोई भी डिमांड नहीं करते, आपको हो तो दीजिए, नहीं हो तो फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मेरा फ्रेंड बताया। फ्रेंड्स बताया। अच्छा, तो पढ़ाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी। मतलब ये नहीं हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर आशंका होता है कि सर मतलब गलत पढ़ा रहे हैं, बोल नहीं पाता है, मतलब? नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहिएगा? जो फ्रेंड है उनको और बोलेंगे कि चलिए मेरे सर अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ कर देखो, पढ़ के देखिए। आप पैसा वैसा का डिमांड? नहीं, कभी नहीं किया है। कभी नहीं? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? MD आसिफ अली। आप कहाँ से हैं? आई बिलोंग टू सुगौली। कब से आ रहे हैं? समथिंग 1 month। 1 month। yeah. कौन सा क्लास में है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। yeah. कैसा सर का पढ़ाई लगता है? द टीचिंग स्टाइल ऑफ सर इज वेरी वेल, आई कांट एक्सप्रेस ऑन माई ऑन वर्ड, सो टीचिंग स्टाइल ऑफ वेरी वेल, एंड एक्चुअली दिस सर इज वेरी वेल टीचिंग स्टाइल। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, जैसे कि L² इंग्लिश हब, मैं इसी कोचिंग में पढ़ता हूँ। पहले तो मैं 2-3 जगह मोतिहारी में गया था। अच्छा। और वैसे मुझे तैयारी UPSC का करना है, मेरा एम्बिशन वही है। अच्छा। तो झूठ मूठ का बोर्ड लेवल का पढ़ाई करके इंग्लिश से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वर्ल्ड में इंग्लिश का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना इंग्लिश के हम लोग वर्ल्ड में कहीं भी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं लोग। और जैसे कि अभिषेक सर हैं, वो एक UPSC के अभी तैयारी भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं, तो हमने तो पहले सोचा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंग्लिश अच्छा से पढ़ाता होगा, तो हमने सोचा डेमो करते हैं। अच्छा। तो इनके पास मैंने आया और देखा कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और टीचर के अपेक्षा ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो लेवल का पढ़ाई करना चाहिए और किसी बंदे को, किसी स्टूडेंट को, कि वो आगे अच्छा कर जाए, उसके अनुसार जो चाहिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर अवेलेबल हो जा रहा है। अभिषेक सर के मम्मी जी हैं, चलिए इनसे हम कुछ बात करते हैं। कैसा लग रहा है जो अभिषेक सर अभी के डेट में तीसरा संस्था का ओपनिंग किए हैं? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी का बात है कि मेरा बेटा आगे मैंने जा रहे हैं। बहुत अच्छा का बात, खुशी का बात है मेरा। इस देवता के
है क्योंकि आज तक जितने भी महान लोग वीर महापुरुष जितने भी हमारा देश भी आजाद हुआ तो शायद एक बार में नहीं हुआ है, वो बार बार प्रयास किए हैं तब जाकर अंग्रेज हमारे देश से यहाँ से चले गए, नहीं तो शायद मेरा देश आज गुलाम रहता। किसी दूसरे को शिक्षा देना इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि आपका शिक्षा डेवलपमेंट भी होता है, लड़कों से आपका प्यार बढ़ता है और शायद आपका गार्जियन भी आपसे खुश होता है, चलिए मेरा लड़का आज वो निकल रहा है क्षेत्र में और एजुकेशन डेवलप कर रहा है। इसलिए आप एक बार आगे जहाँ भी हो एल स्क्वायर इंग्लिश हब ज्वाइन करें और अपने सपनों की साकार करें और गारंटी के साथ, फी का कोई डिमांड नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरा सबसे मतलब वो क्या है लाइक मतलब सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, ठीक है। और एक कहावत है कि प्यार करो तो किताबों से क्योंकि बेवफा भी निकलेगी ना तो आपको कुछ काबिल बनाकर छोड़ेगी, तो इसलिए आप जितना मोहब्बत करना है किताब से कीजिए, अच्छे दोस्तों से कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप किसी चीज़ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सभी को।